नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य किया, लेकिन भाजपा की सरकार में देश भर में आर्थिक मंदी का माहौल बना हुआ है। भाजपा सरकार में हर व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है, लोगों की आमदनी घट गई है और महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया भर में कोई नहीं है। देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही दिखा सकते हैं। करण सिंह दलाल चुनाव प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को पलवल के पुरा और शिवपुरा में डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पलवल आने का आग्रह किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करण सिंह दलाल को आश्वासन दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पलवल अवश्य आएंगे। करण सिंह दलाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक देश की सेवा की और गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी व कर्मचारियों के हित में कार्य किया। कांग्रेस के शासन में देश विकास की गति पर आगे बढ़ने लगा था। आज फिर हर कोई व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुनना चाहता है। लोग पुराने दिनों को याद करने लगे हैं। करण सिंह दलाल ने कहा कि भाजपा ने देश के आर्थिक हालात खराब कर दिए हैं, इसलिए भाजपा के प्रति लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और भाजपा का ग्राफ कम हुआ है, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा 75 पार करने की बजाय 75 किलोमीटर दूर चली जाएगी। प्रदेश में भाजपा के कुशासन से लोग दुखी हैं और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। जो आज आर्थिक मंदी का जो माहौल बना हुआ है, आज हर आदमी जो बेरोजगार हो रहा है, हर आदमी की आमदन घट गई है, खर्चा बढ़ गया है, तो मनमोहन सिंह जी से बढ़िया अर्थशास्त्री दुनिया में कोई नहीं और लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी, हर कारोबार करने वाले किसान मजदूर, 10 साल जो उन्होंने देश की रहनुमाई की तो देश में जो तरक्की दिखाई दी थी, अब लोग फिर से याद करने लगे उन दिनों को। तो इसलिए हमने मनमोहन सिंह जी से निवेदन किया और उन्होंने शहर स्वीकार किया है, वो पलवल आएंगे। भाजपा के प्रति हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा है, कई कह पाते हैं, कई नहीं कह पाते हैं, लेकिन भाजपा ने जो आर्थिक हालात देश के खराब किए हैं वो घर में बहन बेटियों के चेहरे से भी नजर आ रहा है। हर घर में मायूसी है भाजपा के इस राज की वजह से। ये हरियाणा से 75 पार हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 15 दिन में जो माहौल बदला है वो बिल्कुल बहुत तेजी से भाजपा का ग्राफ नीचे जा रहा है और तमाम हरियाणा की 36 बिरादरी भाजपा के इस कुशासन के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बन रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।